जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका स्माइली कुहार व्लॉग्स में। और धुंध आज भी बहुत ज़्यादा है और टाइम हो गया है 8:23 और ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। धुंध बहुत ज़्यादा है आज तो, कल से भी ज़्यादा धुंध है। पर पता नहीं मौसम साफ कब होगा। पोचा मार दे तो पोचा नहीं सूखता, कपड़े धो दे तो कपड़े नहीं सूखते 10-10 दिन तक। ये तो देखो धुंध बहुत है। और ये देखो, दिखाती हूँ आपको, ओस भी कितनी है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है वहाँ के। ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है, वो क्या कहते हैं, खून को जमाने वाली ठंड हो रही है। चाय बनने लग रही है भाई, और मन्नत नहा लग रही है, पूछू नहा ली क्या मन्नत? हाँ। नहा ली बेटे? हाँ। है? हाँ। ओके आ जा फटाफट जल्दी से, और अभी चाय पियेंगे उसके बाद देखते हैं अगला काम क्या है। चाय बन रही है भाई, इतनी ठंड में तो चाय मिल ले जाओ बस गरम गरम, और कोई काम ना करवाओ। फिर मैं कहूँगी सही में हम चाय बहुत घड़ी पी हुए। हस्बैंड आज खाली चाय और बिस्किट लेंगे, क्योंकि आज उनका और कुछ लेने का मन नहीं है ज़्यादा हैवी सा, इसलिए उनको चाय और बिस्किट दे देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कुछ भी नहीं लेंगे वो। लो उठो। अपने लिए बनाए टोस्ट, टोस्ट बनने लग रहे हैं, और आज मैं बनाऊंगी छोले। छोले भिगो रखे, रात ने भिगो दिए थे, बस अब उनने 2-3 सिटी लगवा दो तो फिर उसके बाद छोले बनाऊंगी आज, और मन्नत ना लेंगे जब तक अपनी चाय वगैरह डाल लेंगे। पहले ना लेती तो ये पूजा करती हूँ, नहीं तो मैं करती हूँ। सिलेंडर ख़त्म हो गया, मेरे हस्बैंड सिलेंडर चेंज कर रहे हैं, बीच में ख़त्म हो गया था, अभी वो चेंज करने लग रहे हैं। हमारे टोस्ट भी रेडी हो गए हैं अभी, और चाय काट दी लोग बनाने के चक्कर में। टोस्ट दिखा लगे तो हमारी चाय लिख रही, इसमें छोले न रह के वो बढ़ता है। हे भगवान, तुम लोगों को क्या लगता है ब्लॉग बनाना इतना ईजी है? कितना नुकसान करवाना पड़ता है। ये देखो चाय निकल गई हमारी। हम भी नाश्ता कर लें भाई, और एज यूजुअल मन्नत की साथ साथ ऑनलाइन क्लास चलेगी, क्योंकि 9:00 होने वाले हैं और 9:00 इसकी क्लास जो शुरू हो जाती है, असेंबली हो जाती है 9:00 शुरू इसकी, और जब तक हम बैठ के साथ ही नाश्ता वगैरह कर लेंगे। कुकर ने एक सीटी मार दी है। बट मैं अंदर आ गई थी, फिर भी उसने मुझे देख के सीटी मार दी है। ये भैया अपनी ऑनलाइन क्लास की वेट करते हुए, और एक प्राणी हमारा भी आया है, और अभी फ़ोन उठाएगा, और ये फ़ोन निकाला जा रहा है ड्रॉर से, और आप लोगों को एज यूजुअल पता ही होगा क्यों फ़ोन क्यों निकल रहा है। वो फ़ोन निकल रहा है स्नैपचैट तो पा दिए। स्नैपचैट पाने के लिए आतुर भाई। सब्जी बना लूँ इतने में, उसके बाद फिर नाउन होंगे, और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम होता है। उसके बाद और ये दूध उबलने के लिए रख दिया है, उसके बाद देखो सर्दी इतनी है ना, कितने जाया जाता ना कुछ काम करने भी करता। भूख बड़ा लग रहा है भाई, मैंने सोची इतने में थर्ड बात कर ली। आज बनाऊंगी मैं छोले आलू छोले की सब्जी बनाऊंगी, हल्की सी तरी वाली। आवाज़ ने थोड़ा सा वाइड करी, उनके अंकल बोल रहे हैं, उनकी साउंड थोड़ी सी तेज़ है, दूर तक सुनाया करें उनकी साउंड। और अब सोची भाई आलू छोले बना लूँ आज, ना तो इसी ठंड में कुछ खाना चाहिए लगता, बस गर्म गर्म चीज़ पी जाओ, कॉफ़ी पी जाओ, चाय पी जाओ। और सही में बहुत ज़्यादा चाय हो गया दिन में सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा। और मेरा मारा हो रहा है, और उसके बाद फिर लाऊंगी, और जुकाम भी ठीक हो लग रहा, गड़ा भी कभी खराब है बहुत गड़ा, और क्या ही नजीर करता काम में, सच्ची कसीब भी नजीर करता। छोला में लग गया है छोंक, और 10 मिनट में ही रेडी हो जाएंगे, और जब तक मैं नहा कर रेडी हो लेती हूँ। उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके, मैं
पहली हूँ नहा और मन्नत की ऑनलाइन क्लास ही चल रही है। इसकी बेचारी की 2-3 बजे तक क्लास चलती, कई बार तो 6 बजे तक भी चलती है और मैं नहा ली। और ये वीडियो, ये स्वेटर आपने एक वीडियो में मन्नत ने भी पहनी है, देखी होगी। आजकल ये मेरी चीज़ें छीनने लगी है, इसने मेरे पूमा वाले शूज भी छीन लिए मैंने जो एक बार भी नहीं डाले थे, बट वो इस मेरे से ज़्यादा इसके पैरों में अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, जा मन्नत जी ले अपनी ज़िंदगी, रख ले इन जूतों को क्योंकि मेरे को एक इंस्टाग्राम पे पेज है क्वालिटी क्लोथ्स के नाम से, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे पूमा के शूज़ भेज दिए थे, बट वो फर्स्ट कॉपी थे पूमा की, बट वो बहुत अच्छे। बट जो इसको मैंने मेरे वाले शूज़ दिए वो ओरिजिनल पूमा थे, बट वो इसको बहुत पसंद आया, कहती है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है तू रख ले, कोई बात नहीं। और यही प्रॉब्लम होती है यार, जब सेम पैर हो जाता है ना मम्मी बेटी का और मोस्ट ऑफ सेम ड्रेसेस आनी शुरू हो जाती हैं, तो यही प्रॉब्लम। बट अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई मेरी चीज़ें मेरी बेटी को फिट आने लग गई हैं। और कार्लटन लंदन से भी मैं एक अपने हाई नेक शूज़ लेके आई थी, वो भी अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में गई थी, वहाँ पहन के गई थी, बट वो मेरे से ज़्यादा इसको अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बट एक कभी कभी फील करती कि नहीं मम्मा ये आपके हैं, मुझे बड़े लग रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका पैर भी थोड़ा सा बड़ा है और मतलब अकॉर्डिंग इसकी एज के, बट वो चीज़ें जो मेरी शूज़ हैं और कई मेरी स्वेटर्स वगैरह हैं तो इसको फिट आ जाती हैं, टॉप तो अच्छे लगते हैं इसको पहने हुए। अब बेचारी ऑनलाइन क्लास है, हेडफोन लगा रखा है इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ, क्योंकि इसको पता चल गया ना मैं इसके बारे में बोल रही हूँ तो चिखेगी चिल्लाएगी मेरे बारे में क्यों इतना सब कुछ बता रहे हो। चलो ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। को भी मेरी मैचिंग की कैप भी मिल गई है और मैंने आज मैचिंग की कैप भी पहन ली है। वैसे तो ठंडा इसीलिए पहननी है, बट मैं घर पे तो सिंपली कैप पहन के रखती हूँ, पर इस स्वेटर के साथ ही मैच जा रही थी, मैंने सोचा पहन कर थोड़ी सी माचो माचो बन जाऊँ मैं भी तो मैंने पहन ली। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी कैप कैसी लगी। ओके 12 बज गए हैं भाई पूरे और ये हमारा लंच का टाइम, तो खाना बना लूँ एक बार। मन्नत की ऑनलाइन क्लास चल रही है लगातार और मैंने साथ साथ मशीन भी लगा रखी है, तुम सोचो कि पूरे दिन सवेरे नाश्ता फिर भाई केक रहे खाना, तो मैं खाना बना लूँ। आलू छोले की सब्ज़ी है, आटा गूंदा रखा है, रखा हमेशा में गूंद लिया था आटा तो, और बस रोटी रोटी बनानी है, सब्ज़ी तैयार है। आ जाओ जिसने खानी हो। बम कर लिया लंच, अरे देखो हमेशा चीटिंग लग रही है हमारे घर में ना हुए है भाई, सब पानी वाली सब्जी बन जाए ना, पर पानी हट हट के मेन चीज़ बाहर लिखट के डलिया करें, हमेशा डालना लग रही है। और थोड़ा सा नमक कम बताया गया है सब्जी में, टेस्ट करके बताएंगे और लंच कर लेना हम भी, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या काम करना है। धुन तो भाई उतरनी कम हो गई है, मतलब उतर ही गई है ऑलमोस्ट, पर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आज मैं रिस्क लेके टावल धो रही हूँ, क्योंकि कई दिन से सोच रही थी धोंगी, बट मौसम को देखते हुए नहीं धो रही थी। और ये देखो पहले वाले कपड़े भी मेरे सूखे नहीं है और अगले वाले कपड़ों का नंबर आ गया, क्या करूँगी अब, नहीं धोएंगे तो उनका ढेर हो जाएगा बिल्कुल। और मशीन लगा रखी है, सोचा धो लो, और सुखाने की कहीं पर भी जगह नहीं है ऑलमोस्ट। कपड़ों वाला स्टैंड भी पूरा भरा हुआ है, तार भी भरा हुआ है, ऊपर ग्रिल्स पे भी डाल रखे हैं। के गुरु भगवान सूरज देवता को भेज दे, धरती वालों को उनकी बहुत ज़रूरत है। आखिरकार मैंने टावल जो है मशीन में डाल ही दिए हैं, देखी जाके भी ना सूखेंगे तो दूसरा टावल यूज़ करेंगे, बाकी मुश्किल है धूप निकलनी अभी 1-2 दिन और, कह रहे हैं बारिश बता रखी है, पता नहीं बारिश आ गई तो और मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो बारिश आने लग रही है 1-2 दिन तो बूंदाबांदी सी हो रही है, बट देखो क्या होता है। और पपेट भाई किस किस के घर में बच्चे पपेट के लिए क्रेजी हैं, मेरे घर में तो बहुत है। और मन्नत तो बहुत यूज़ करती है, और एक और लेके आई हुई है यूनिकॉर्न का, और एक ये है। और वैसे फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती कई बार, हम जब इरिटेट हो रहे होते हैं ना बैठे बैठे कौन किस किस के बच्चे करते हैं यूज़ घर में पपेट यूज़। सूरज देवता ने मेहरबानी करी और सूरज देवता ने अपने दर्शन दिए, मतलब कहीं ना कहीं भगवान है और भगवान ने मेरी सुन ली
भगवान ने मेरी सुन ली और सूरज देवता ने दर्शन दे दिए। भगवान, कई दिन पीछे धूप निकली है और मैं फटाफट ऊपर वाली ग्रिल पे कपड़े डालाऊंगी कुछ, ताकि जल्दी तो सूख जावे, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही, कपड़े सूख नहीं लग रहे। कई दिन बाद में गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने आई थी, मतलब अभी गाड़ी का नाम नहीं बता रहे क्योंकि हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं नई गाड़ी लेने की। तो अचानक से मेरे हस्बैंड के दिमाग में आई कि भी चलो एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो गाड़ी का नाम नहीं बताते, वो व्लॉग अलग से बनाऊंगी जब हम ले लेंगे नई गाड़ी। बट जो ये गाड़ी इसकी टेस्ट ड्राइव ली है भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी। बट देखते हैं किस्मत में कौन सी गाड़ी लिखी हुई है। दुआ करो भाई जल्दी से हम नई गाड़ी ले लें। ओके, स्टूडेंट्स में मेरी फेवरेट स्टूडेंट्स है ये, और इसकी विशेष सुनना है एक बार। क्या क्या विशेष है अलीशा आपकी? देखोगे जिन मेरे पास आए ना, तो वो 3 विशेष पूछेगा। हाँ। तो मैं पहली विशेष बोलूंगी कि मेरे को अनलिमिटेड विश दो, सेकंड बोलूंगी ईवीएस हिंदी और आईसीटी हटा दो इस दुनिया से, बहुत बोरिंग है वो। और थर्ड मैं बोलूंगी वैसे मैं बच्चों के साथ शूट नहीं करती हूँ लोग, मेरा फर्स्ट टाइम है ये जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ में लोग शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी मेरी फैमिली जैसी है, बिल्कुल फैमिली जैसी है, और मन्नत की भी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है, और ये वन ऑफ द फेवरेट है मेरी। और मन्नत के बाद जो मुझे बहुत पसंद है प्रिंसेस, और फिर हमारी अलीशा जो मुझे बहुत पसंद है, और प्रिंसेस तो है ही मेरी जान। प्रिंसेस हम तेरे को बहुत मिस करते हैं हमेशा हर बार में, और प्रिंसेस तो है ही भाई, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता मतलब। और ये बट ये शी इज़ वेरी क्यूट डॉल, और ये बहुत अच्छी लड़की है, सिंसियर भी बहुत है, और स्टडी में भी बहुत बहुत अच्छी है। और मैं और बच्चों को नहीं मतलब वो करती हूँ, मैं बताती भी नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं टीच करती हूँ बच्चों घर पे, बट ये बहुत क्यूट सी है, और इसका मन भी होता है कि हाँ मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मेरे को भी बाकी आगे भी ये, क्योंकि ये हमारे नेबर भी हो गए, और आगे भी ये मेरे व्लॉग में कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो अलीशा बोलो इनको, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। हाँ, लाइक शेयर कमेंट, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हाँ, और फिर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपको, है ना। बाय। चलो भी एक बार इसको पढ़ा दूं मैं, देन उसके बाद बात करते हैं। बाय। मन्नत की डिमांड आई है कि मुझे पैनकेक खाना है, और बनाती हूँ भाई उसके लिए पैनकेक, आई ट्राई माय बेस्ट। ओके, देखते हैं भाई कैसा बनता है पैनकेक। और वैसे तो मैंने बहुत बार बनाया है, बट वो क्या तेरा अब जैसे लोग बनाने शुरू किए, क्या पता अच्छा ना बने। बट देखती हूँ कैसा बनता है, एक बार बना दूँ उसके लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम है, तो ये फर्स्ट टाइम है, बट ना मम्मी को बनाया बहुत दिन हो गए, इसलिए हम थोड़े डरे हुए हैं कि भाई कैसे बनेगा। काफी टाइम हो गया बनाए हुए कि बनाया नहीं है पहले, और मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी ना पैनकेक की, और उसको क्रेविंग हो रही थी काफी की मुझे पैनकेक खाना है। अच्छा, आपने अलीशा को इंट्रोड्यूस करवा दिया? हाँ, मैंने अलीशा। सो लेट अस टेल कि हम बच्चे खाने वाले पैनकेक्स, और ये बड़ा बच्चा खाएगा? बट इसको ज्यादा वो हो रही थी, मुझे 2-3 दिन से मोमोज खाने का बड़ा मन हो रहा है। आज खाया नहीं, देखते हैं। चलो रेडी हो रहा है पैनकेक, रेडी है। अब पता नहीं ये बच्चे टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है और उनको कैसा लगेगा, पूछती हूँ एक बार उनसे। जो है पूरा लुत्फ लेना चाहती है पैनकेक का, वो टीवी देखते देखते कह रही थी कि मैं इसको खाऊंगी, और देन उसके बाद पूछती हूँ कि कैसा बना है पैनकेक उससे फटाफट, और मुझे बताओ कि हाँ कि भाई कैसा बना है, सच सच बताना है, जैसा भी टेस्ट आए वैसा ही टेस्ट बताना है। अलीशा पता कैसा बना है? मीठा कम लगा? अरे वो हर्षिया सेक के साथ, वो सॉरी हर्षीज के साथ टेस्ट करो ना, उसी के साथ खाते बेटा इसको। तो अब मुझे बताओ कि कैसा बना, सच सच बताना। मन्नत विहान बताओ कैसा बना, विहान ऊपर देख के बता यार, पक्का अच्छा बना है? ओके, तो भाई सक्सेसफुल हुआ एटलीस्ट मेरा ये, क्योंकि काफी टाइम बाद बनाया था, मुझे उम्मीद नहीं थी भी इतना अच्छा बन जाएगा, सच में मैंने काफी टाइम बाद बनाया। मेरे
बच्चों को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बच्चे पीछे खा रहे हैं, बट नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूंगी कि इसकी रेसिपी डालूं। और वैसे मैंने भी इसकी रेसिपी जो है यूट्यूब से ही ली थी। बच्चों के लिए पैनकेक बना दिया, हस्बैंड ऊपर धूप सेक रहे हैं, ऊपर चाय दे आई है और अब थोड़ी सी चाय मैं भी लेती हूँ, फिर चाय बना ली मैंने। और उसके बाद दो तीन जोड़ी जूते हैं, सोचो जूते और दो दो आज, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज तो थोड़ा सा मौसम ठीक है और कल का के पता, फिर दोबारा तो भाई वो तो एक बार चाय पीते हैं, एक बार धो दो रगड़े मार के। अभी हम जाके आ रहे हैं एक बार मार्केट अमीक्षा की शॉपिंग करवाने के लिए पर के बिना मैं भी कर लूँ अपनी थोड़ी बहुत, एक बार जाया हम बाजार में। हम ये यहाँ की सबसे बिजी रेड लाइट जो कभी भी फ्री नहीं मिलती, हमेशा यहाँ पे जब भी हम आवें तभी रेड लाइट हुई मिलती है। ये यहाँ की सबसे बिजी रेड लाइट जो कभी भी फ्री नहीं मिलती, हमेशा यहाँ पे जब भी हम आवें तभी रेड लाइट हुई मिलती है। और भी मार्केट पहुँच गई है हम, कुंजपुरा मार्केट करनाल की, और थोड़ी सी शॉपिंग कर ले फिर मिला। और मेरे हस्बैंड एज यूजुअल गाड़ी में एटीएम भूल गए थे तो हम एटीएम लेने आए। हम मार्केट से घर आ गए हैं और इनके लिए लेके आए हम मोमोज और ये डरपोक लड़कियां हॉरर मूवी देख के इतनी डरी हुई है कि मैंने स्टेज पे गई, पता है वो गलती से दूसरी लाइट चल गई, वो जप जप हो गया तो हम दोनों को इतना डर लगा हमने सामान फेंक दिया स्टेज में। उसके बाद दिखाऊंगी कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई, मन्नत के लिए और अमीक्षा के लिए ही लेके आई हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं लाया। हाँ जी, टाइम हो गया है 7:45 और अब हम करेंगे डिनर की तैयारी। और एक बार आपने दिखा दूं जो हम शॉपिंग करके लेके आए हैं, मैं अपने लिए कुछ ना लेके आई, मेरे लिए कुछ मिला ही नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी एक लोवर लेके आई, तो अभी दिखाती हूँ एक बार जो जो हम लेके आए हैं। ये नाइट सूट तो मन्नत के लिए लेके आए, ये ना मेरे को बहुत सस्ता मिल गया, मतलब जब सीजन था, जब मतलब स्टार्टिंग था सीजन का उस टाइम पे यही चीज बहुत महंगी मिल रही थी, बट अब मुझे सही रेट में मिली, तो एक तो ये लेके आई मन्नत के लिए और अमीक्षा के लेके आए हैं एक ड्रेस, वो दिखाते नहीं आप भाई, मना कर रखा अमीक्षा ने कि मेरी ड्रेस मत दिखाना क्योंकि वो पुरानी हो जाएगी फिर, क्योंकि हमारे सारे नॉन वीडियोस देखते हैं तो बस यही दिखा रहे हैं कि भाई उसके लिए बस ब्लैक कलर लेके आए हैं, उसे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, बट ये नहीं दिखाएंगे कि उनमें क्या क्या नहीं दिखाया बिल्कुल भी। और मेरे लिए ये ग्लोव लिए और मतलब अच्छा लगा मुझे, सस्ता सुंदर टिकाऊ एक लोअर लेके आई, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गई और सिर्फ एक लोअर लेके आई। और वैसे सेल काफ़ी अच्छी चल रही थी ब्रांडेड चीज़ों पे, बट अभी नहीं ले रही, फिर लूँगी। और मुझे एक चीज़ का बहुत पछतावा हुआ, मैं कार्लटन लंदन के फुटवियर लेके आई थी हाई नेक में, और उस टाइम पे 40% पता नहीं, हाँ 40% चल 30% लेस चल रही थी और वो मुझे काफ़ी मतलब अच्छे लगे थे, बट उस टाइम अब उन्होंने 60% ऑफ दे दिया उसी पे और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उन पे कि उस टाइम पे नहीं दे सकते थे, तब मुझे वो चीज़ 3,500 की पड़ी थी और अब वो कितनी सस्ती पड़ जाती तो मैं 2 जोड़ी फुटवियर ले सकती थी। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा देखिए मना कर दिया साहब, तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। तो कोई भी सेल में से लेना तो सर्दियों के एंड में जाना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे आज सिखाया ये। और व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्माइल हैशटैग।